हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसके बारे में आप न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते होंगे या किसी न्यूज़ चैनल पे हमेशा देखते होंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी बहुत तेज़ी से क्यों नहीं ग्रो कर रही है। तो आप जब देखोगे तो जो कंट्री है वो अपने मैक्सिमम पीक लेवल पे पहुंची हुई है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। तो अब कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है, ताकि उसने GST लेके आया, डिमोनेटाइजेशन लेके आए वो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और अगर हम 10% GDP से बढ़ना चाहते हैं, अगर हमारा GDP 10% हो, तो कुछ हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होती है। तो अब आप समझोगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस तरह का रिफॉर्म है जिसके अंदर या तो एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उसको पूरी तरह हटा दिया जाए, उसकी जगह कुछ नया लेके आया जाए, या जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके अंदर किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, तो उसको फर्दर कई सारे अमेंडमेंट करके उसको सिंपल बनाया जाए और ऐसा लॉ बनाया जाए जो आज के करंट मार्केट सिचुएशन को सूट करे। मतलब कोई ऐसा आर्काइक लॉ नहीं होना चाहिए जो कभी 100 साल पहले बना और उसको हम आज भी चलाएं, क्योंकि मार्केट डिमांड बदल चुकी है, लोगों की एस्पायरेशन अब कुछ और है। अगर आप कंपेयर करोगे 100 साल पहले से, तो कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। जैसे उन्होंने GST लेके आए, डीमोनेटाइजेशन किया, जनधन अकाउंट खोला, इंश्योरेंस दिया सस्ते सस्ते दामों पे, ताकि हर लोगों के पास कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हो उनके पास। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से चैलेंज हैं हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, जिसे कहीं ना कहीं दूर करने की ज़रूरत है, या मौजूदा सरकार उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रही है। तो आज मैंने तकरीबन 6-7 पॉइंट्स लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो 6-7 पॉइंट्स बताऊँ, और ये टॉपिक पढ़ के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको ये पता चलेगा कि आपकी कंट्री में क्या कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है। तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी एनालाइज कर लोगे ये 6-7 टॉपिक्स को देखने के बाद। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में आने वाले दिनों में बता सकें। अब जो मैंने 6-7 पॉइंट्स लिया है, उसका पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसे, कहीं ना कहीं हमें पैसे की कमी है, तभी तो हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, रूल पॉलिसीज चेंज करते हैं, उनको एकोमोडेट करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंट्री में आए और पैसे लगाएं या कोलेबोरेशन करें एग्जिस्टिंग फॉर्म के साथ। और FDI, FII पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कैपिटल है, और दूसरा है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब सबसे पहले समझो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। कैपिटल फॉर्मेशन एक काइंड ऑफ साइकिल है। अगर किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करेंगे। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो सेविंग है, जो हम बैंक में रखते हैं, तो उसी सेविंग को बैंक किसी और नीडफुल, जो नीडी हैं उनको लेंड करती है, और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, इज़ अ काइंड ऑफ साइकिल है ये, जिसमें कि बैंक का भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकें, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी करते हो, तो उससे क्या होता है कि फर्दर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज़्यादा करते हो, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगती है, और इंडस्ट्रीज़ को कम पैसे में अफोर्डेबल जो यूनिट होता है पर यूनिट, उसमें उनको बिजली मिलती है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और खुद के लिए भी सेव कर सकते हैं, टैक्स के रूप में कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वेजेस के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को भी पैसे दे सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉयज़ को पैसे देंगे, फिर वो एम्प्लॉयज़ खर्च करेंगे, फिर वो सेव करेंगे, फिर वही मनी सर्कुलेट होके वापस साइकिल में घूम के हमारे इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारे कंट्री में चूंकि पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो सेविंग की चांसेस भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और अगर सेविंग की चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट के बजट को भी देखोगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं
कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करती है, और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, जो एड है, ग्रांट है, ट्रांसफ़र पेमेंट है या सब्सिडी है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो कंट्री को भी एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हम डैम बनाएंगे तो फिर क्या होगा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, उससे इरिगेशन बढ़िया होगा, तो हमारे फार्मर्स को टाइम बाउंड मैनर में पानी मिलेगा, जिससे कि वो सिंचाई कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो फर्दर पैसे ज़्यादा कमाएंगे, तो ज़्यादा सेव करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की साइकिल बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो, इसमें सरकार ने सबसे पहले एक जनधन अकाउंट लेके आया, ताकि लगभग हर कंट्री में जितने भी आदमी हैं और जितनी भी फैमिली है, एटलीस्ट उनके पास एक एक फैमिली में एक लोगों के पास एटलीस्ट बैंक अकाउंट हो। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र करेगी सब्सिडी के लिए भी, तो वो भी टारगेटेड के पास ही जाएगा, कोई बीच बिचौलिया बीच में नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारे जो रूरल फोल्क्स हैं या कोई भी हैं, अर्बन हैं, तो वो उनमें सेविंग की आदत बढ़ेगी। अगर वो सेविंग करेंगे तो वो फर्दर फिर क्या होगा, इकोनॉमी में ही कहीं ना कहीं से इंटीग्रेट होगा। तो स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा प्राइम, ये सबसे पहला प्रॉब्लम है जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, आगे भी करेगी, रिफॉर्म्स लाएगी, लेबर लॉज रिफॉर्म्स लाएगी। तो इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा और जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर आप हमारे कंट्री की पर कैपिटा इनकम देखोगे तो वो ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो जो नेशनल इनकम अब हम बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? तो देखो, अगर हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी कंट्री के अंदर लेके आए, स्किल्ड मैन पावर रखें, और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हम करें जिससे कि इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी हमारी कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम अल्टीमेटली जो है हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा। और पर कैपिटा, अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो हमें पता है कि हम तो पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उस एरिया में। तो आप कहीं देखो, अगर किसी उड़ीसा के किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं लेबर एम्प्लॉयमेंट वहाँ बढ़ जाएगी, लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगी, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगी, उनका इनकम भी बढ़ेगा और कंट्री को एक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे कि हम कहीं ना कहीं जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, इसके जरिए जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रैवल होता है वन स्टेट टू अनदर, तो इसमें उससे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, वेस्टेज नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को बहुत फ़ायदा करेगा और हमारा पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही बढ़ेगा इससे। नेक्स्ट हम देखते हैं, वास्ट इनइक्वालिटीज एंड इन इनकम एंड वेल्थ। अगर आप देखोगे कंट्री को, देखो अगर आप कंट्री को हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बांटते हैं, तो आप वेस्टर्न पार्ट को देखोगे, कंट्री का वेस्टर्न पार्ट, मुंबई, गुजरात, ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और आप ईस्टर्न पार्ट देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अनडेवलप रह गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। अगर आप देखोगे हेल्थ इंडेक्स देखोगे, बहुत सारा चीज़ देखोगे, तो साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ इंडिया से कई मामले में बेटर परफॉर्म करता है। तो अब नॉर्दर्न इंडिया जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है कंपेयर टू ऑल अदर रीजन्स। तो कहीं ना कहीं जो ये इनइक्वालिटीज़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड और ट्रेंड नहीं है, जिससे कि जॉब मिलने में उन्हें दिक्कत होती है। तो इससे फर्दर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है, और जो कंसिक्यूटिव गवर्नमेंट जो आती रही है वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न एरियाज़ पर इतना ध्यान नहीं दी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और एक रिफॉर्म इसमें भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा तो इससे कंट्री को फ़ायदा होगा। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगा, तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को ईस्टर्न पार्ट में भी लेके आएँ, क्योंकि लेबर पावर जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है उसमें कहीं ज़्यादा है, जहाँ से माइग्रेट होते हैं लेबर, तो वो माइग्रेशन रुकेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी अगर इंडस्ट्री वहाँ पर आएगी, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को फ़ायदा होगा और जो ये इनइक्वालिटीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप सेंसस का डेटा देखोगे तो 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी कंट्री का। और अगर आप कोई भी अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखोगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और ये सही नहीं है। और अब क्या है कि वो पर्टिकुलरली मानसून पे डिपेंड करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें फार्म मैकेनाइजेशन लेके आना पड़ेगा,
जो सीड है वो हाइब्रिड सीड हमें लेके आना पड़ेगा, जिसपे गवर्नमेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं सीड उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। टाइम बाउंड और स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट कर रही है इसको, ये बहुत अच्छा कदम है। जैसे बीटी कॉटन है, उसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा निकलती है सेम एरिया ऑफ लैंड पे। जब आप कन्वेंशनल खेती करते हो और जब आप नॉन कन्वेंशनल करते हो बीटी कॉटन से, तो उनकी उसकी जो ग्रोथ और प्रोडक्शन है वो कहीं ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारे फार्मर्स को इनकम ज़्यादा मिलता है। अब फार्म मैकेनाइजेशन भी आप करोगे तो उससे भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उससे भी अल्टीमेटली बढ़ेगी। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को धीरे धीरे भारत के हर स्टेट में लेके आएंगे, तो क्या होगा कि उनकी जो डिपेंडेंस जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे है उससे वो डाइवर्ट होगी, और वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी आके काम करेंगे, जिससे उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगी। तो एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास मजबूरी है, उनके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट को कुछ बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिससे कि वो जो है फार्म मैकेनाइजेशन हो सके, उनको अच्छी बेटर क्वालिटी की सीड मिले, और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट हो, पोल्ट्री हो, डेयरी हो, जिससे कि उनकी भी जो इनकम है वो डाइवर्सिफाइड हो जाए और उनकी इनकम बढ़ जाए। अब हम हैं ट्रिमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर। देखो, अगर रैम्पेंट पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी या कोई भी विलेज उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। अगर इस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होगा तो कहीं ना कहीं हमारी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो आने वाले टाइम में हमें झेलनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि मतलब भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको एक मिल के साथ बैठ के एक पॉलिसीज़ लेके आएँ, जिसमें कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक ही हों। बहुत सारे लोग हैं जो हम दो हमारे 10 में बिलीव करते हैं, बट वो बिलीव उनको अब छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रिसोर्स है, जो हमारी लैंड है वो लिमिटेड है, और रैपिड एक्सप्लोशन ऑफ पॉपुलेशन होगा तो हम उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं फिक्सन बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है सोशल अवेयरनेस के जरिए, कैंपेन के जरिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैम्पेंट पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम उनको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, खाने का उतना लिमिटेड रिसोर्स होगा हमारे पास, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फर्दर बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो वो एकोमोडेट हो जाएगी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी हमें रोकना चाहिए। अगर हम इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो आप ये बात समझ लो कि 10, 15, 20 साल में हम कई कंट्रीज से कहीं आगे निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हमारी कंट्री में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें कि हमारे लेबर स्किल्ड नहीं है। अगर वो स्किल्ड हैं देन वो अंडर एम्प्लॉयड है, और साइक्लिकल इन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मतलब 3 महीने काम मिलता, 9 महीने काम नहीं मिलता। अगर एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो क्या है कि वो जब तक उनके पास फसल है, वो फसल कट गई, बिक गई, उसके बाद फिर उनके पास कुछ और नहीं होता करने के लिए। तो जो ये इसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे कि लगभग लाखों करोड़ों यूथ को फायदा मिल रहा है, वो स्किल्ड बन रहे हैं, और अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छोटी कंपनी में काम करेंगे, वो जहाँ चाहें उस सर्टिफिकेट को लेके दिखा करके जॉब पा सकते हैं, और गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो उसको काफ़ी अच्छे से टैकल कर रहा है, और धीरे 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 अनएम्प्लॉयमेंट को वो रिड्यूस कर रहा है। हो सकता है कि अभी आपको ये चीज़ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, अगर आपको 15, 14, 16 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर भी जो आज की सरकार है वो इस पे काम कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हमें इस चीज़ में एटलीस्ट स्किल डेवलपमेंट में, आप देखोगे किसी भी दिन का पेपर अगर आप निकाल के देखो तो कहीं ना कहीं आपको एक मिल जाएगा एमएसएमई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसा, या किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से वो पार्टनरशिप करके इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसका असर आपको आज हो सकता है ना दिखे, लेकिन आने वाले 5, 6, 7 साल में आपको ज़रूर दिखेगा। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज है जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को असेस करती है, अगर आप उनकी भी रिपोर्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और जो स्किल का लेवल है हमारे कंट्री का, वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो मासिव अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं दूर होगी, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अब देखते हैं अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप
इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, कंट्री का होल कंट्री में आप देखो तो हमें मासिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करते हैं, लाइक कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम गांव में क्रिएट करते हैं जिससे कि जो किसान की जो उपज है वो वहीं पे प्रोसेस हो जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाए वहाँ पे। तो अगर हम एग्रीकल्चर में देखते हैं तो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, अगर ये चार चीज़ बन जाए तो हमारे जो किसान है वो अपने जो जो भी उनकी प्रोसीड है, जो भी उन्होंने एग्रीकल्चर से मिला है उन्हें, वो उसको नियरेस्ट मार्केट तक पहुंचा सकें जिससे कि उनको उनको कम्पिटिटिव रेट मिल सके। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी आके खरीद ले और बहुत कम पैसे में खरीदे। अगर रोड्स, हाईवेज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, तो वो काफ़ी दिन तक अपने सामान को वहाँ पर रख सकते हैं और वो इंतज़ार भी कर सकते हैं कि जब इसका रेट बढ़े तो वो बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगी, उनकी जो इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा, आप देखो रेलवेज में, अब अभी आप देखोगे कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है। इसमें क्या है कि जो हमारी जो गुड्स हैं उनकी रफ्तार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम डेडिकेटेड कॉरिडोर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज की सरकार ये काम कर रही है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बना रही है, इससे क्या होगा, हमारी जो गुड्स हैं, एक पार्ट मान लो आसाम से वो चलती है तो तुरंत गुजरात के पोर्ट तक वो 48 आवर्स तक या 24 आवर्स में अगर वो पहुँच जाए तो क्या होगा कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ भी जो लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, जो छोटी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट आसाम में चला रहे हैं, अगर वो अपना जो प्रोसीड है वो बाहर की किसी कंट्री में बेचना चाह रहे हैं, अगर वो 24 घंटे के अंदर आसाम से गुजरात तक पहुंच जाते हैं तो उनकी जो जो मार्केटेबिलिटी है उनके प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा जहाँ पे वो बेच सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन आएगी, तो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ से दूसरी जगह जाने का, वो उसमें काफ़ी कम टाइम लगेगा और जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होगा। अगर आप टाइम बचाते हैं, बिकॉज टाइम इज़ मनी, तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा, एयरपोर्ट्स, पोर्ट बनेंगे, रेलवेज, हाईवेज, डैम बनेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कंट्री को बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जैसे देखो आप, भारतमाला ये अभी गवर्नमेंट लेके आई है, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ब्रिजेस बना रही है, तो गवर्नमेंट जो है आज की वो इन सब चीज़ों पे काम कर रही है और इसका नतीजा आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी का। तो देखो, अगर अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि वो इंटरव्यूअर आपसे कहीं ना कहीं पूछेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आवर इकोनॉमी इज़ फेसिंग राइट नाउ। तो आप अगर इन सब पॉइंट्स को याद रखो, चूँकि इंटरव्यू में तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो अगर आप इन 5-7 पॉइंट्स को याद रखोगे, और उसमें से ऐसा नहीं है कि वो आप 8.5 या 10 पॉइंट्स आपसे सुनना चाहते हैं, एटलीस्ट दो दो या तीन पॉइंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो वो बहुत कन्विंस होंगे और आपके सेलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अब अगर बात आई टेक्नोलॉजी की, तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे कंट्री में, इसलिए हम कहीं ना कहीं FDI को इनक्रेज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसीजर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी फॉरेन की कंट्री, हमारी जो फॉरेन की कंट्री और वहाँ की कंपनीज हैं वो हमारे कंपनी से टाई अप करती हैं। जैसे आप गैस एक्सप्लोरेशन में देखोगे इंडिया में, तो बहुत सारी फॉरेन की कंट्री है जो इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करती है। तो इससे क्या होता है, जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास हैं, वो यहाँ तक पहुँचती हैं, और इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे अब ऑयल और गैस सेक्टर में देख लो, अगर कोई बाहर की कंपनी आती है, कोलेबोरेट करती है इंडियन कंपनीज़ के साथ, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लेके आती है, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किल्ड बढ़ेगा, जो लोग उस पर काम करना सीखेंगे वो कहीं ना कहीं स्किल्ड होंगे और उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी कंपेयर टू अदर्स जो भी हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उन्हें भी, उसको भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है फॉरेन कंट्रीज़ में जो R&D करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी कोलेबोरेशन कर रही है इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा अपने रिसर्च को आगे तक ले जाने में। तो इस कोलेबोरेशन से कंट्री को बहुत सारा फ़ायदा होगा।